इस पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से आशीष सूद हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक राजीव तुली हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष सूद साहब, एक सुझाव अरविंद केजरीवाल का आया कि एक तरफ बापू की तस्वीर, दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर, इस सुझाव का स्वागत करेंगे आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी वो शख्स हैं जिन्होंने अपने दफ्तर से बापू की तस्वीरों को हटा दिया है और ये डिक्लेयर करके हटाया कि हमारे यहाँ पे बापू की तस्वीर नहीं रहेगी। दिल्ली और पंजाब के सरकारी दफ्तरों से और आम आदमी पार्टी के दफ्तरों से बापू की तस्वीर को हटा दिया गया है, नंबर एक। नंबर दो, आम आदमी पार्टी के जो गुजरात के अध्यक्ष हैं और दिल्ली में भी उनके जो राजेंद्र पाल गौतम उनके मंत्री थे, उनकी हिंदू देवी देवताओं के संदर्भ में सोच के बाद भी वे लोग अगर आम आदमी पार्टी में हैं तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जनता खुद समझती। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। यह है कि अरविंद केजरीवाल जी का ये बयान कि हिंदू देवी माँ लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश का चित्र नोट पर हो, ये नौटंकी है क्योंकि एनार्किस्ट है, अर्बन नक्सल है, तो अपनी बात जब अपना आधार फिसलते देखते हैं तो विषय भटकाते हैं। आज उन्होंने ये क्यों किया होगा, आप कल्पना करिए, आज सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स में PM 2.5 349 है साहब। दिन भर का नरेटिव भटक जाए, चैनल सब इसी पे बात करते रहे, आम आदमी पार्टी की सरकार की दिल्ली के निवासियों को स्वच्छ हवा देने की जो जिम्मेदारी है उस पर विमर्श आज ना चले, इसलिए ये शिगुफा छोड़ दिया। वो उनको तो राम मंदिर बना, एक मेरे पास ठीक बात पूरी, राम मंदिर बनाने से उनको और मनीष सिसोदिया को एतराज है, उनकी नानी कहती थी मेरे राम उस मंदिर में नहीं बैठेंगे, इसलिए उनकी कितनी श्रद्धा है सनातन पूजा पद्धति में और सनातन देवी देवताओं में, ये सर्वविदित है। केवल और केवल दिल्ली के विमर्श को, डेवलपमेंट के विमर्श को भटकाने के लिए अरविंद केजरीवाल। अच्छा ठीक है, आप मुद्दे भटकाने के लिए आप कह रहे हैं कैसा हो रहा है। प्रदीप कौशल साहब, आपको भी लगता है कि अपनी ही पार्टी के नेता, चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो, चाहे गुजरात में जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं वो हो, इनके तरफ से जो बयान दिए गए या दिल्ली का जो पॉल्यूशन है, जैसा कि आशीष सूद भी कह रहे हैं, मुद्दे भटकाना चाहते हैं और अपने ही नेताओं के जो बयान है उसका एक डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये सब किया जा रहा है, आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, अभी जहां तक हमने देखा है, हाल ही में उन्होंने अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता अंबेडकर के चिंतन और भगत सिंह के विचारों के साथ प्रकट की है। और अंबेडकर के क्या विचार थे, हिंदू देवी देवताओं को लेकर के, ये सर्वविदित है, और भगत सिंह नास्तिक थे। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी की जो वैचारिक स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर ये दोनों देवी लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा कहूंगा छवि अगर नोट के ऊपर आती है तो करोड़ों लोगों की भावनाओं के अनुरूप होगा। हाँ। पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो नास्तिकता और आस्तिकता के बीच जो उनका अपना व्यक्तित्व है वो कहाँ किसके साथ जोड़ के देखा जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उनकी विचारधारा जो है वो किसके साथ जुड़ना चाह रहे हैं स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। राजीव तुली जी वो कह रहे हैं कि एक तरफ आप अंबेडकर के विचारों के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, फिर आप भगत सिंह के विचारों के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, अब आप कहते हैं लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छाप दीजिए, आपकी विचारधारा क्या है, कौन से महापुरुष को फॉलो करना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा। धन्यवाद राजीव, मुझे लगता है कि उनकी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। उसका कारण ये है कि उनकी विचारधारा किसी भी प्रकार से केवल सत्ता में बने रहे, कैसे बने रहे, वो केवल उनकी विचारधारा है। जब मुस्लिम अमानतुल्लाह खान उनको अपने मंच पर बुलाते हैं तो वो वहां कहते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है उसके लिए पूरी दिल्ली सरकार काम करेगी और उनको जहां जैसी जो आवश्यकता रहेगी उस आवश्यकता को वो पूरा करेंगे। उन्हीं के मंत्री जब मंच पर खड़े होकर के हिंदू देवी देवताओं को गाली निकालते हैं
एक मंत्री को हटाते हैं जिसका दूसरा नाम आगे बढ़ाते हैं वो भी उसी मंच पर उपस्थित रहता है, तो पूरी पार्टी किस दिशा में है क्या है। हाँ, एक बात ये जरूर कही जा सकती है कि लालू यादव जी का एक्टिव राजनीति से बाहर होने के बाद जो एक व्यंग और जो एक हंसी मजाक हंसी ठट्ठा भारतीय राजनीति से बाहर हो गया था उसको वापस लाने का कहीं ना कहीं प्रयास जो है वो अरविंद केजरीवाल जी जरूर कर रहे हैं और इसी रूप में उसको देखना चाहिए, बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। दूसरा, लक्ष्मी गणेश की तस्वीर करेंसी पर छापनी चाहिए ये सुझाव पसंद नहीं आ रहा, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुझाव आया है इसलिए पसंद नहीं आ रहा। नहीं, आप देखिए महत्व तो रहता ही है ना, क्या इंटेंशन क्या सुझाव देने वाले की, ये तो आप उसका चेहरे का भाव पढ़ के बता ही सकते हैं क्या क्या इंटेंशन है, बता दीजिए आप। एक तरफ आप मुसलमानों को हर प्रकार से उनको कि पूरी सरकार आपके लिए काम कर रही है, काम करेगी, आपके जो मुअज्जिम है या जो मौलवी है उनको सैलरी देगी, तनख्वाह देगी, और उसके बाद आप कहते हो कि लक्ष्मी गणेश की फोटो छाप देनी चाहिए। दूसरा, एक 5 सेकंड केवल और दीजिए। देखिए प्रदीप जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, और बहुत सारे लोग जो है वो जनरली एक फ्लो में ये कह जाते हैं कि भगत सिंह नास्तिक थे। आप खटकर कला उनके गांव जाइए, वहां पर एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम में वो गीता भी रखी है जिस गीता को वो पढ़ते थे, और उनकी जन्म कुंडली भी रखी है। तो मेरा निवेदन है कि इसी मुद्दे पर संबित पात्रा जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सुनवाते हैं। तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है आज ही हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है, और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विगत वर्षों में कहा था कि जहां राम मंदिर बन रहा है, जहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां तो अस्पताल बनना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की वो वीडियो भी है, जनता उस वीडियो को देखे जिसमें केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं तो किसी भी कीमत पे उस राम मंदिर में आराधना करने, पूजा करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस राम मंदिर में पूजा जो है वो भगवान प्राप्त नहीं करेंगे, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी दादी के विषय में भी कहा था कि दादी बहुत नाराज थी कि वहां राम मंदिर बना था, और आज आप सोचिए कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने यू टर्न लिया है। ये वही अरविंद केजरीवाल जी है जिनके बहुत सारे मीम, जिनके बहुत सारे हिंदू विरोधी फोटो प्रसिद्ध हैं उनके ट्वीट में। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कभी भी दिवाली के अवसर पर या वैसे भी स्वस्तिक चिन्ह के बिना पूर्ण नहीं होती। दिवाली में जब हम दिवाली मनाते हैं तो स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं, स्वस्तिक चिन्ह को अंकित करते हैं, तब जाके ये पूजा पूर्ण होती है। इसी स्वस्तिक चिन्ह को झाड़ू से मारने का काम, इसी स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर झाड़ू चलाने का काम और स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर हंसने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट के माध्यम से किया था। वह ट्वीट भी आज जनता जनार्दन के सामने मौजूद है, पब्लिक डोमेन में है। आप देखिए, वही अरविंद केजरीवाल जी आज भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जिनके एक मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने आज से चंद हफ्तों पहले मां लक्ष्मी और गणेश जी के लिए जिस प्रकार की भद्दी बातें कही थी, जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कहा था, उपहास किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था, केजरीवाल जी आज वो MLA आपके यहां अभी भी बने हुए हैं। आपने उन्हें पार्टी से बर्खास्त नहीं किया है, केवल और केवल दिखाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ आई वॉश आपने मंत्री पद से हटाया है। आज भी वो आपके एक बड़े नेता हैं, आज भी आपके पार्टी के MLA हैं। मां लक्ष्मी के खिलाफ और भगवान श्री गणेश के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं, ताहिर हुसैन और ऐसे अनेकों नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी के किटी में, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में, जिनके कारण 85 लोगों को मौत के घाट उतारा गया,
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों, किस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर प्रहार किया जाए, किस प्रकार उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंका जाए, किस प्रकार उन्हें मारा जाए, उनका नरसंहार हो, इसके रचयिता थे ताहिर हुसैन, आज भी जेल की सलाखों के पीछे बंद है और अचानक अरविंद केजरीवाल यहां पर स्वांग रचाने का काम कर रहे हैं। बंधुओ याद करिए, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने सदन के अंदर कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बने फिल्म पर जब सवाल उठा था तो ठहाके मार के हंस रहे थे और कह रहे थे ये तो झूठी कहानी है, किसी ने एक भी कश्मीरी पंडित का नरसंहार नहीं किया था। कश्मीरी पंडितों को दिल्ली में नौकरी देने से इनकार करने वाले अरविंद केजरीवाल, कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर हंसने वाले अरविंद केजरीवाल आज अचानक जो हिंदू बनने की चेष्टा कर रहे हैं, ये यू टर्न की पराकाष्ठा है। अगर सही मायने में देखा जाए तो केजरीवाल जी, आप जब दिवाली की पूजा कर रहे थे ना, तो मां लक्ष्मी भी और भगवान श्री गणेश भी, ये जो आपने एक्साइज पॉलिसी में पैसा मारा है, आपके भाई आपके साथी मनीष सिसोदिया ने जिस प्रकार मोटा माल शराब माफिया के माध्यम से कमाया है, भगवान कभी माफ नहीं करेगी, मां लक्ष्मी कभी माफ नहीं करेगी इस प्रकार जो शराब में घोटाले करते हैं और गरीबों के पैसों का गबन करते हैं। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान के ऊपर, भारत के ऊपर मां लक्ष्मी और प्रभु श्री गणेश का, महादेव और राम का आशीर्वाद है। तभी तो जो हिंदुस्तान आर्थिक रूप से 11वें स्थान पे था आज से एक दशक पहले, आज वही हिंदुस्तान पूरे विश्व में 5वें नंबर की अर्थशक्ति है, 5वें नंबर की इकोनॉमी है। टुडे इंडिया स्टैंड्स टॉल इन द वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ इकोनॉमी। Today, India is one of the leading economic country. Today's India growth rate shows a bright spot in the World Economic Forum. और केवल राजनेता ही नहीं कह रहे हैं, अगर सही मायने में देखा जाए तो विश्व पटल कह रही है कि विश्व भी अगर रेसेशन में चला जाए, और संभावना है कि विश्व रेसेशन में चला जाए, ग्लोबल रेसेशन हो जाए, किंतु लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो इनकी कृपा है और उनका जो परिश्रम है, उसके कारण भारतवर्ष कभी भी रेसेशन में नहीं जाएगा। निरंतर अपने परिश्रम के कारण, निरंतर अपने साधना के कारण हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर मां लक्ष्मी, प्रभु गणेश, भगवान श्री राम, महादेव की कृपा है और तभी आज भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। जहां तक दिल्ली की अर्थव्यवस्था की कहानी है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस प्रकार से आपने एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी चलाया है, यह उचित नहीं है। 8 लाख रुपए का स्प्रे बनाते हैं पूसा इंस्टीट्यूट में और 24 करोड़ रुपए उस स्प्रे के एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करते हैं, उसके प्रचार प्रसार में खर्च करते हैं, और आप ठीकरा लक्ष्मी गणेश जी पे फोड़ देते हैं कि हमारे देश पर मां के आशीर्वाद नहीं है। मां का आशीर्वाद सदैव था, है और रहेगा। अपनी नीयत को ठीक करना होगा। कहीं ना कहीं कम काम और ज्यादा दिखावा, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट, ये जो अर्थनीति आपने अपनाया है केजरीवाल जी, इसे आपको ठीक करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पूछे। सर, कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष बने, उनको क्या शुभकामना देने जाएंगे? कोई बात नहीं, ये उनके पार्टी का आंतरिक विषय है। खड़गे जी आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, मगर आज भी हमने तस्वीरों में देखा, एक तरफ सोनिया जी और एक तरफ राहुल गांधी जी बैठे थे। खड़गे जी हैड नो लीवे, दोनों तरफ परिवार बैठा हुआ है, और है तो उनका आंतरिक विषय, मगर मैं तो इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। मगर खड़गे जी ने तो खुद ही कहा था कि अगर हम तो केजरीवाल के बयान को लेकर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि लक्ष्मी गणेश की कृपा तो भारत पर वैसे भी है, तभी आज भारत दुनिया की 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। लक्ष्मी गणेश की कृपा तो भारत पर पहले से है, भक्त बनने का तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं केजरीवाल। मंदिर की जगह अस्पताल बनवाना चाहते थे, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की जगह अस्पताल बनवाना चाहते थे, आज भक्त बनने का दिखावा कर रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी के नेता हिंदू विरोधी बयान देते हैं,
और आज अरविंद केजरीवाल लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापने की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को कश्मीर में हिंदुओं के से जो अत्याचार किया गया उसकी झूठी कहानी नजर आती है और आज वो कहते हैं लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छाप दीजिए, भक्त बनने का सिर्फ दिखावा है। सुनिए संबित पात्रा ने क्या कहा। चलचित्र में कहावत है, एक गाना है, क्या से क्या हो गया देखते देखते। वाकई अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए तो किस प्रकार से यूटर्न किया जाता है आज ही हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। प्रदीप कौशल जी हमारे साथ हैं, राजीव तुलिया हमारे साथ हैं। प्रदीप कौशल जी, बड़ी जल्दी प्रतिक्रिया आ गई भारतीय जनता पार्टी की, कह रहे हैं कि जो अयोध्या में राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवाना चाहते थे, जो दिवाली नहीं मनाने देते हिंदुओं को, जिनके अपने नेता जो हैं हिंदू विरोधी बयान देते हैं, वो अब जो है वो लक्ष्मी गणेश की तस्वीर की बात कर रहे हैं। हाँ, काफी अंतर विरोध है जो वो कह रहे हैं उसमें और जो उनके मंत्रियों ने हाल में कहा है। गोपाल राय जी तो धमका रहे थे हिंदुओं को कि अगर आप पटाखे चलाएंगे तो जेल में बंद किया जाएगा, आपको जुर्माना किया जाएगा। और गुजरात के अंदर जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके बयान हमेशा धर्म विरोधी आए हैं, हिंदुत्व विरोधी आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो कितने गंभीर हैं केजरीवाल जी अपनी इस मांग को लेकर के वो पता नहीं है। अगर वो गंभीर हैं भी तो उसको बरबस आपको जो चुनाव चल रहे हैं इस समय हिमाचल के अंदर और गुजरात में भी घोषित होने वाले हैं, उनके साथ जोड़ के देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं हिंदू वोटर को साधने का प्रयास है ये जान करके कि आप कह रहे हैं कि हिंदू वोटरों को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल का ये एक पैंतरा हो सकता है। प्रदीप कौशल हमारे साथ है, राजीव तुले भी हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।